एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो ये आप कुट्टू का आटा देख रहे हैं वो हमने लिया है आधा कप। नवरात्रि के व्रत के लिए हम बना रहे हैं ये आलू की कचौड़ी। दो हमने बहुत बड़े उबले साइज के आलू ले लिए हैं, कुछ हमने ये कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और आलू को ना अब हम इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सेंधा नमक। ठीक है, उबले आलू को हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, यानी काफी अच्छे से ये ग्रेट हो जाएगा। ग्रेट करने के बाद मिलते हैं। थोड़ा सा नमक भी हमने इसमें डाल लिया है, और इसको हम ना वैसे मैश कर लेंगे, हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर आपका मिक्स नहीं होता है आटा तो आप थोड़ा सा और इसमें आलू डाल सकते हैं, उबला हुआ आलू, है ना। बट हमारा ये देखिए इस तरह से बाइंड हो रहा है ना, तो हम इसको डो को बाइंड करके मिलते हैं। तो अब जैसे कि हमने ना इसमें एक आलू छोटा और मिला लिया है, तो और अच्छे से ना ये बाइंड हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें हल्का हाथ पर ऐसे तेल लगाएंगे, तेल निकाल रखा है हमने, ऐसे हाथ पर तेल लगा के हम हाथ से ही ना इसकी कचौरी बनाएंगे। देखिए इस टाइप से हम ये कचौरियां बना लेंगे, देख रहे हैं ना। एक और मैं आपको बनाकर बताती हूं। हाथ पर पहले हम तेल लगाएंगे, बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ भी चेंज करके बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जितनी बड़ी आपको बनानी है, छोटी छोटी भी आप बना सकते हैं, अगर आपको हाथ से ऐसे बढ़ाना नहीं आता है तो छोटी छोटी भी आप बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। बस आटा आपको ना फ्रेश लेना है, ये देखिए। तो इस टाइप से हम सारी कचौड़ियां बना लेंगे, और तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये डाल देंगे। ना हमें ज्यादा मोटी रखनी है ना पतली रखनी है ना? दो दो कचौरियां हम साथ में तल लेंगे। इसको दबाते हुए से हल्के हाथ से पलट लेंगे। पहले गैस को तेज करेंगे, ऑयल अच्छा गर्म होने देंगे, और फिर उसके बाद उसको धीमा कर लेंगे ताकि अंदर से ये कच्ची ना रहे। एक और कचौरी हमने डाल दी, और ये देखिए कितनी बढ़िया ये कचौरी बनके तैयार है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है क्योंकि ये कुट्टू का आटा थोड़ा ब्लैकिश होता है। इस तरह से अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, जो सिक गई हैं अच्छे से कचौरियां। उलटते पलटते हुए हमें इसको सेकना है, बहुत टेस्टी लगती हैं। तीखी हरी चटनी से खाइए, दही के रायते से खाइए। और इसमें ना मैंने केवल हरा धनिया और नमक डाला है, सेंधा नमक, और कुछ नहीं डाला है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, है ना। करते हैं हम इनकी प्लेटिंग, और ये देखिए हमारी ये कुट्टू के आटे की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बनकर तैयार हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, इसको तोड़कर देखिए, वाओ। जरूर इस बार आप ट्राई कीजिए, कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है ये, खाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।